सुकिस आज के वीडियो में गाइस यार मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर के 10 ऐसे प्रो सेटिंग जो कि यार आप लोगों को यूज़ करना चाहिए और इन सेटिंग के बारे में जानना तो आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको एक एक करके उन सारे सेटिंग के बारे में बताऊंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी जाके लाइक करना। इसके अलावा गाइस अगर आपको इसी तरीके का और भी वीडियो देखना है सेटिंग का तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला सेटिंग है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि गाइस ये जो है काफ़ी अच्छी सेटिंग है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी हम लोगों का गलती से जो सेटिंग है वो चेंज हो जाता है, कस्टम मूड इधर से उधर हो गया, सेंसिटिविटी चेंज हो गया, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो पुराना सेटिंग था वो कैसा था। तो गाइस यहाँ पे देखो करना क्या है, आपको आना है इस वाली सेटिंग पे, सेटिंग सिंक पे, और यहाँ पे जो है आपको अपनी सेटिंग को कर देना है अपलोड। अब अपलोड करने से क्या होगा कि जो आपकी सेंसिटिविटी है या फिर कस्टम वगैरह जो भी सेटिंग है वो जो है आपका सेव हो चुका है। अब अगर इन फ्यूचर कभी आपका गलती से कस्टम हुड इधर से उधर हो गया या फिर सेंसिटिविटी कुछ भी चेंज हो गया तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है और डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका पुराना सेटिंग जो आपने अपलोड किया था वो वाला वापस से आ जाएगा बस एक क्लिक में। इसके बाद गाइस यहाँ पे नंबर 2 पे आता है अपना फिटिंग रूम, जिसकी मदद से आप जो है अपने 2 ड्रेस कॉम्बिनेशन को सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं इमोट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 आइकन दिखने को मिलेगा, नंबर 1 नंबर 2, जिस पे आप अपने 2 ड्रेस कॉम्बिनेशन को सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ओनली एक क्लिक में मेरा जो ड्रेस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसके अंदर जो है अपने न्यू ड्रेस को सेव नहीं कर पाते। अब देखो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वॉलेट पे, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नंबर 1 नंबर 2 देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। अभी देखो नंबर 1 पे मेरा ये वाला हेयर स्टाइल है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा न्यू ऐड करूँगा। तो सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ पे हेयर पे और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आपको क्या करना है इक्यू पे क्लिक करना है एंड इसके बाद फिर आपको जो है सेव पे क्लिक कर देना है। अब जो नंबर 1 पे है उस पे मेरा ये वाला हेयर स्टाइल सेव हो चुका है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले नंबर 2 पे क्लिक कर देते हैं एंड अब जो गाइस यहाँ पे देखो मैं जैसे नंबर 1 पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा जो है ये वाला हेयर स्टाइल आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है अपने 2 ड्रेस कॉम्बिनेशन को सेव कर सकते हो। इसके बाद गाइस नंबर 3 पे आता है अपना ग्लूवल सेटिंग। अब देखो आपकी आईडी पे तो काफ़ी सारे ग्लूवल के स्किन होंगे बट आप लोग जो है सिर्फ एक ही ग्लूवल स्किन को हर मैच में यूज़ करते होंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो अब अगर आप लोग इस वाली सेटिंग को ऑन कर दोगे इसके बाद जो भी ग्लूवल के स्किन जो आपको पसंद है सिंपली उसको यहाँ से आपको इक्विप करते जाना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 ग्लूवल स्किन को सेट कर रखा है, तीनों में ये वाला आइकन बन चुका है। अब गाइस होगा क्या कि मैं जब गेम खेलूंगा तो हर मैच में मुझे जो है इन तीनों में से कोई एक ग्लूवल के स्किन दिखने को मिलेगा, मतलब कि किसी में ये वाला आ जाएगा तो किसी मैच में ये वाला स्किन, किसी में ये वाला, मतलब कि हर मैच में चेंज होता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है, इसकी मदद से आप लोग जो है अपने सारे ग्लूवल स्किन को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फिर गाइस यहाँ पे जो नंबर 4 पे है वो गाइस असल में सेटिंग तो नहीं है बट एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है अपने डीजे एडम पे और गाइस यहाँ पे जो मिलता है स्टोरी का ऑप्शन सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे आप लोग आ जाओगे इस वाली वेबसाइट पे। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है किसी भी कैरेक्टर का बायो चेक कर सकते हो, उसका एज वगैरह। जैसे यहाँ पे मैं होमर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो होमर का जो गाइस एज है वो है भाई 30 साल। भाई साहब ये तो काफ़ी बूढ़ा कैरेक्टर है। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग जो है किसी भी कैरेक्टर की जो एज वगैरह है वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइस आप लोग जाके चेक करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि फ्री फायर का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसका एज जो है आपके रियल एज से मैच करता है, उसका नाम आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। ओके इसके बाद गाइस नंबर 5 पे जो सेटिंग है वो है ग्लोबल स्मार्ट थ्रो। अब गाइस देखो ये सेटिंग जो है काफ़ी बकवास सेटिंग है। यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऑन करके रखते हो तो आप लोग जैसे ही ग्लोबल पे क्लिक करोगे वो जो है अपने आप लग जाता है, जो कि यार किसी को भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे आप लोगों को इस सेटिंग को हमेशा ऑफ करके रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइस नंबर 6 वाली सेटिंग के लिए आपको जाना है ऑटो पिकअप पे और गाइस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप लोग ये सेट कर सकते हो कि आपका जो कैरेक्टर है वो कौन सा चीज़ को सबसे पहले उठाएगा, सबसे पहले गन उठाएगा या फिर मेडिकेट वगैरह कहीं पे लूट पड़ा हुआ है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने वेपन को रखा है सबसे ऊपर में। कभी कभी गाइस क्या होता है कि आपके साथ कोई एनिमी उतरता है
तो आपसे पहले वो जो है गन उठा लेता है और आपको पेल देता है, क्योंकि भाई वो जो है बेपन को रखता है सबसे ऊपर में, तो उसका कैरेक्टर जो सबसे पहले गन ही उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस आप लोग जो है अपने हिसाब से ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा गैस आपको जाना है डिफॉल्ट पे, और गैस यहाँ पे सबसे लास्ट में मिलेगा ऑटो पिकअप स्पीड, इसको आपको फास्ट पे रखना है ताकि आपका जो कैरेक्टर है एकदम फास्ट सब चीज़ लूटे। ठीक है, अब गैस यहाँ पे जो नंबर 7 पे आता है वो सेटिंग आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर गैस हाई FPS करके। अब देखो यार, इस सेटिंग को जैसे आप लोग हाई कर दोगे आपका जो गैस गेम है वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा, आपका हेडशॉट वगैरह लगेगा अच्छे से, हेडशॉट मारने में गैस ये सेटिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बट गैस यहाँ पे एक खराबी क्या है कि अगर आप लोग इस सेटिंग को ऑन कर देते हो, इसके बाद जो आप लोग जब आप लोग गेम खेलोगे तो आपका जो फ़ोन का बैटरी होता है वो जल्दी लो होगा, जल्दी डाउन होगा। ठीक है, तो अगर आपकी फ़ोन का बैटरी काफ़ी अच्छा है तभी आप लोग इस सेटिंग को ऑन करना, अदरवाइज आप लोग नॉर्मल पे ही खेलना। ठीक है, समरिया। इसके बाद गैस नंबर 8 पे आता है फ्रेंड रिकमेंडेशन। अब देखो गैस यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग किसी ऐसे बंदे के साथ खेलते हैं जो कि हमारे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो, तो गेम खेलने के बाद गैस उसका जो नाम है यहाँ पे हमें रिकमेंड करता है उसका नाम यहाँ पे बार बार दिखता है, जो कि यार काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना है, आपको जाना है नोटिफिकेशन पे, और गैस यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा फ्रेंड रिकमेंडेशन करके, आपको सिंपली गैस इसको जो है रिजेक्ट पे रखना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर गैस यहाँ पे आता है नंबर 9 पे जो सेटिंग है वो आपको देखने को मिलेगा वाइब्रेशन के अंदर। आपको गैस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसके बाद फिर गैस आपको जाना है वेपन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे भी इन चारों को ऑन कर लेना है। इसके बाद फिर गैस आपको जाना है व्हीकल पे, और यहाँ पे भी इन चारों सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब गैस इसके बाद जब आप लोग गेम खेलोगे, गेम के अंदर गन चलाओगे या फिर गाड़ी वगैरह चलाओगे, तो आपका जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा, जिससे कि गैस आपको जो है रियलिस्टिक टाइप का फील होगा, मतलब कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे आप लोग रियल में गन चला रहे हो, आप लोग रियल में गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे जो फ़ोन है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो गैस मैं आपको बोलूँगा आप लोग जाके एक बार इस सेटिंग को यूज़ करो, और बताना कॉमेंट बॉक्स में कि आपको ये वाला सेटिंग कैसा लगा। बाकी गैस अगर आपको इन सारी सेटिंग के बारे में अच्छे से जानना है, पूरी तरीके से जानना है, तो आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। इसके बाद गैस यहाँ पे नंबर 10 पे जो अपना सबसे लास्ट सेटिंग है वो है गैस लोबी स्टाइल को लेकर के। अब देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग जब फ्री फायर मैक्स खेलते हैं तो उसका जो लोबी होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब कि बैकग्राउंड में गन या फिर ग्लोबल स्किन वगैरह दिखता है। बट वो लोग चाहते हैं कि उनका जो लोबी है वो सिंपल सा नॉर्मल टाइप का दिखे, जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ईवो इमोट दिखाते हैं तो जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी चाहिए ये वाला लोबी तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग पे और FF मैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा लोबी स्टाइल का, सिंपली इस सेटिंग को आपको क्लासिक पे कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये वाला लोबी चाहिए तब, लेकिन अगर आपको चाहिए वो वाला लोबी तो सिंपली डायनामिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे ये थे 10 मस्ट सेटिंग जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप कि गैस यहाँ पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसके अलावा गैस बोल दूँ, नेक्स्ट वीडियो अपना होने वाला है कंट्रोल सेटिंग के ऊपर, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो गैस यार मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।